देखिए, तारीख का ऐलान हो या ना हो, मगर इलेक्शन कमीशन आ रहा है, वो सबसे बात करेगा और फिर ये हुकूमत हिंदुस्तान के साथ बात करके तारीख मुकर्रर करेंगे। ये खुद तारीख मुकर्रर नहीं कर सकते। आज सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनके हाथ में। किसमें लाई गई? हज पॉलिसी, पॉलिसी सर। हज पॉलिसी। बताया गया कि जो इंसान एक बार हज करने जाएगा वो दूसरी बार नहीं जा सकता है। देखिए, ये हुकूमत खुद भी कर सकती है, इसका भी एक दिन जनाजा निकलेगा, फिर देखेगा दूसरी हुकूमत क्या करेगी। कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान हज करना चाहेगा, ये क्यों बंद करेगी उसको? वो इनके पैसे पर तो जी जा रहा है, वो तो अपने पैसे पर जा रहा है। अब तो इनकी तरफ से कोई कंसेशन नहीं है, सारे कंसेशन तो ख़त्म हो गए हैं, ये कैसे रोक सकते हैं? अगर एक आदमी अमरनाथ यात्रा जी की यात्रा के आएगा, क्या हमसे कहेंगे तुम दूसरे बार नहीं आ सकते हैं? या बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जाएगा, उसे कहेंगे तुम बद्रीनाथ फिर नहीं जा सकते? ये क्या है? ये मजहबी मामला है, मजहबी मामले में हुकूमत को ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। सर, सवाल ये भी है, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में कॉलेशन हुआ, किसमें? असेंबली चुनाव में सर। हम लोग कोई गठबंधन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए, आप तो मेरे ख्याल से अंतर्यामी हैं, अंतर्यामी होके ही आप ये बात करते हैं। बांग्लादेश का अलग मामला, हमारा देश का अलग मामला है। बांग्लादेश में हसीना जी प्रो इंडिया थी, वहां के लोग प्रो इंडिया नहीं है, ये साफ। और जब तक वो चला सकी चलाइए। आज हिंदुस्तान को खतरात के मामले में तैयार होना चाहिए। आज कोई भी हमारा पड़ोसी हमारा साथी नहीं है, हम अकेले हैं। वो पाकिस्तान हो, नेपाल हो, अपना बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो। अफसोस इस बात का, इस बड़े भाई ने इन छोटे भाइयों को नाराज कर दिया है। और ज़रूरत है कि साख जो है उसको रिवाइव किया जाए और बड़े भाई का फ़र्ज हिंदुस्तान को अदा करना चाहिए। सबके साथ बैठ के उनके जो मुश्किलात हैं उनके बारे में गौर करना चाहिए, जो उसका मकसद था। और गौर करके ही हम लोग उस कड़ी को पूरा कर सकते हैं, जहाँ ये सारे हमारे पड़ोसी हैं, हमारे दोस्त बन सकते हैं।